हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट अप्पम। उसके साथ में हम गन पाउडर और कोकोनट चटनी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और ये जो अप्पम है वो सिर्फ 5 मिनट में इंस्टेंट बनकर रेडी हो जाते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम गैस पर तवे पर 1/4 कप मूंगफली लेंगे। कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं हमने। इसमें हम 2 चम्मच चने की दाल ऐड करेंगे, 2 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच सूखी मेथी दाना ऐड करेंगे, 5 लाल सूखी मिर्च हमने ली है साबुत। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसको हमें चलाते हुए भुनना है। तो देखिए, इसको हमने चलाते हुए भुन लिया है। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस मॉइस्चर ख़त्म होने तक हमें इसे भुनना है और लो फ्लेम पर ही हमें इसे भुनना है। तो इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम उसी तवे पर 1 चम्मच ये हमने सूखी धनिया ली है उसको हम लेंगे, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा ही हमने सूखा नारियल लिया है जैसे कट कर लिया है वो ऐड करेंगे। साउथ की डिश बना रहे हैं तो नारियल तो ज़रूरी है उसमें। ये थोड़ी से हमने इमली ली है इसे कट कर लिया है, इसको भी हम लो फ्लेम पर चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे। तो इसको भी हमने थोड़ा भून लिया है चलाते हुए, इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने पर हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार में डाल के। तो ये जो सारे मसालों को हमने भुना था उसको हम ग्राइंड करेंगे, तो मिक्सर जार में इसको डालेंगे। ठंडा हो गया है ये मसाले, ठंडे होने के बाद ही हम इसे ग्राइंड करना है। नमक ऐड करेंगे इसमें हम स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो साबुत काली मिर्च भी ले सकते हैं, जो मसाले हमने भुने हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं साबुत काली मिर्च को, मसालों के साथ भून सकते हैं थोड़ा, या फिर इस तरीके से पाउडर भी ले सकते हैं इसका। 5 से 6 पिंच हींग ऐड करेंगे, स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसका और पेट के लिए डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने फाइन ग्राइंड कर लिया है, तो इसे हम एक बोल में निकालेंगे। तो ये गन पाउडर खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे इडली डोसा अप्पम के साथ खा सकते हैं। आप इसे किसी भी कांच के बोतल में स्टोर कर सकते हैं, बिना फ्रिज के भी ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होता है। अब हम फिर से गैस पर तवे में मूंगफली लेंगे। ये हमने 2 चम्मच कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं, सूखा नारियल लिया है थोड़ा सा। अगर यहाँ पे आप इसमें फ्रेश नारियल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर फ्रेश नारियल है तो वही इसमें यूज़ करें। थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल लेना है। आप चाहे तो बिना ऑयल के भी इसे भून सकते हैं, हम थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसको हम लो फ्लेम पर चलाते हुए भुनेंगे। तो इसको भी हमने थोड़ा भून लिया है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भुनना है इसको भी। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे, इसको हम ठंडा होने देंगे, इसके बाद एक मिक्सर जार में इसको डाल देंगे। तो ये ठंडा होने पर हमने इसको मिक्सर जार में डाल दिया है। अभी हमने 2 हरी मिर्च ली है जिसे कट कर लिया है, ये हमने 3 लहसुन के कली ली है जिसे कट कर लिया है, और 1 इंच अदरक के टुकड़े को कट कर लिया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इमली ली है ये हमने थोड़ी सी, वो ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमने नारियल मूंगफली की चटनी को ग्राइंड करके एक बोल में निकाल लिया है। अब हम चटनी के लिए तड़का रेडी करेंगे। तो तड़का पैन में हम ऑयल लेंगे, थोड़ा सा काले सरसों ऐड करेंगे 1/4 चम्मच इसमें, 2 पिंच हींग ऐड करेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है वो ऐड करेंगे। तो ये तड़का लगाने से जो चटनी है उसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। तो ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है, सरसों इसमें चटक गई है। तो अब जो हमने तड़का बनाया है वो चटनी में लगा देंगे, थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारी नारियल और मूंगफली की चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम एक मिक्सर जार में 1 कप सूजी लेंगे, 2 चम्मच इसमें हम नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। तो ये नारियल के बुरादे का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। 1/2 कप दही ऐड करेंगे, दही ज़्यादा खट्टा नहीं है, घर का ही दही है ये। तो अगर सभी चीज़ों की क्वांटिटी आप बराबर एकदम परफेक्ट लेंगे एक ही बर्तन से, तो आपका जो
ये अप्पम है वो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बनेंगे। हाफ चम्मच इसमें हम चीनी ऐड करेंगे जो टेस्ट को बैलेंस करेगा। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। एक कप हम इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। तो इंस्टेंट बना रहे हैं इसलिए इसमें गर्म पानी ऐड करना ज़रूरी है। तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो इसको हमने चर्न कर लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच ये हमने इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इनो की जगह पे आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमें 2 सेकंड और चला लेना है। तो ये मिक्सचर को हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं मिक्सचर की कंसिस्टेंसी इस तरीके का होना चाहिए। इतना गाढ़ा हमें इसे रखना है। जिस तरीके से हम डोसा बनाते हैं उसी तरीके की इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो तवे को हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। जब बैटर बनाया आप तभी उस तवे को गर्म कर लीजिए क्योंकि तवा पहले से गर्म होना ज़रूरी है। अब हम बैटर को डालेंगे तवे पर। बैटर को हमें डालना है लेकिन इसको हम फैलाएंगे नहीं, यानी कि डोसे की तरह हमें इसको नहीं फैलाना है बैटर को। अब हम गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखेंगे। अब देख सकते हैं इसमें बबल से बनने लग गए हैं। तो इसमें बबल से अच्छे से बन गए हैं। अब इसको हम ढक देंगे और ढककर हमें इसको 1.5 मिनट पकाना है। इसमें हम बिल्कुल भी कोई ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। तो 1.5 मिनट हमने इसको पका लिया है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये एकदम जालेदार हो गया है। तब जब इसमें बबल से बनने लगे तभी इसको हमें ढकना है। तो बहुत ही अच्छा ये बनके अप्पम हमारा रेडी हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना है। बिल्कुल बिना ऑयल के हमने इसको बनाया है। तो गन पाउडर और चटनी को आप एक दिन पहले ही बना के रख सकते हैं। और ये जो हमारा अप्पम है ये तो सिर्फ 5 मिनट में इंस्टेंट बनकर रेडी हो जाता है। वैसे तो इसको चावल से बनाया जाता है बट हमने इसको सूजी से इंस्टेंट बनाया है और बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। ज़रूर ट्राई करें इसे घर पर एक बार। तो आपको एक और बना के दिखाते हैं। इस तरीके से हमें इसको डालना है तवे पर। तो बस हल्का सा करना है, फैलाना नहीं है इसे। गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच ही रखेंगे। तो देखिए इसमें बबल से बन चुके हैं। जब इस तरीके से बबल से इसमें बन जाए तभी हमें इसको ढकना है। तो इसको हम ढक देंगे और सेम उसी तरीके से 1.5 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको ढक के पकाने का यही रीज़न है कि इसको हमें पलटना नहीं है। जैसे हम डोसा बनाते हैं तो उसको भी हम नहीं पलटते हैं, उसी तरीके से इसको भी हमें पलटना नहीं है। तो ढक के पकाने से जो ऊपर की इसकी साइड है वो भी पक जाती है। तो 1.5 मिनट हमने इसको पका लिया है। बहुत ही अच्छे से जालीदार बन गया है, देख सकते हैं ये भी। तो देख सकते बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, बिना ऑयल के बनाते हैं लेकिन तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपकता है ये। तो सारे हम इसी तरीके से रेडी करेंगे अप्पम। अप्पम और उसके साथ गन पाउडर और कोकोनट चटनी रेडी है। तो 1 कप सूजी के बैटर में हमारे टोटल 7 अप्पम बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, आपको दिखाते हैं। देख सकते कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और एकदम जालेदार बने हैं। तो आप इसको इस तरीके से नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। और ये गन पाउडर जो बनाया है इसमें आप कोई भी घी या फिर ऑयल ऐड कर सकते हैं इसमें और इसको खा सकते हैं इस तरीके से। तो आपको इसमें सांभर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई करें घर पर एक बार। तो आप भी ये इंस्टेंट अप्पम की रेसिपी को ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यार से कमेंट में भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर और क्लिक करना ना भूलें। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।